अंशु त्रिवेदी जी ने जो बयान दिया जिसमें कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरीके से खून और हत्या, इस तरीके के जो अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हिंसात्मक घटनाएं बढ़ेंगी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया। मेरी गाड़ी के ऊपर 6 गोलियां चलाए उत्तर प्रदेश इलेक्शन दौरान में, कौन चलाए, किस लिए चलाए बोलो आप, कौन चलाओ बोला उनको? रोज मेरे को धमकियां आते, मैं अब देखना चाह रहा हूँ, मैं सेलफोन में SMS करके धमकी, तेरे को गोली मार देंगे। हाँ, उसका इसका इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे घर के सामने आके मेरे दीवार का नाम को, नंबर पे, नेम प्लेट को काला करते, मेरी जान से मारने की धमकी देते। बोलो बीजेपी वालों, कौन कौन कर कौन भिजा रहा उनको? अब तक क्यों नहीं पकड़े उन लोगों को आप? दिल्ली में आपकी हुकूमत है ना, क्यों नहीं पकड़े उनको आप? ये चक्कर है, आप रेडिकलाइज कर रहे हैं, आपके जो आपकी आइडियोलॉजी के मानने वालों को एम्बोल्डन कर रहे हैं आप, और आप दूसरों को आईना दिखा रहे हैं। अरे खुद तो अपना आईना आईने में देख लो, चेहरा अपना कितना बुरा दिख रहा। उत्तर प्रदेश में जो बोल रहे आप, यहाँ पर मत जाइए, नाम लिखिए, आसाम में 40% पॉपुलेशन की जिंदगी और मौत बोल रहे आप, महाराष्ट्र में मस्जिदों को तोड़ दे रहे, ये कौन है ये लोग? ये आपकी सरकार की वजह से ये लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। एक सिटिंग MP के घर पर आके आप जान से मारने का लेटर लगा के जाते हैं, फोन करते हैं मेरे को, SMS देते, नंबर नहीं कर रहा मेरे को। अब आप बोलेंगे पुलिस का, कितने पुलिस कंप्लेन करूं मैं? ये सब आपकी वजह से, बीजेपी के, इनको बीजेपी एम्बोल्डन कर रही है इन लोगों को। नेता अगर इस तरीके से अगर बयानबाजी, अरे मैं आपकी, इनके जो नेता जो उत्तर प्रदेश में जो बोल रहे सोशल बायकॉट करो माइनॉरिटीज का, मुस्लिम माइनॉरिटीज का, वो क्या है बताइए? नाम बोलो अपना, नाम लिख के रखाओ। अब क्या इडली मुसलमान हो गई, वड़ा हिंदू हो गया क्या, पिज्जा मुसलमान हो गया और बर्गर हिंदू हो गया क्या, बताओ आप? आप कर रहे हैं, सरकार में आप है, आप ऐसे ऑर्डर निकाल रहे हैं, सरकार में आप है, आपका मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा, सरकार में आप है, वहां पे मस्जिदों पे तोड़ रहे हैं वहां पे, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं।